आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का ब्लॉग पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग मेरे रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंसिंग ब्लॉग है। साथ ही साथ मैं क्षमा चाहता हूँ बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्ट बैकग्राउंड नॉइस, जो मैं 100% डिनोइस नहीं कर पाया, क्योंकि एकदम पास में ही बहुत सारा वेल्डिंग शॉप था और साउंड बहुत आ रहा था। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोग का किरण कुमार सिंह हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे। गाइस, आज नया इंसिडेंट को फेस करने को फेस किया। आज मिनोती को स्कूल ड्रॉप करके जब मैं अपना कार पार्क कर रहा था, तो सडनली बॉनेट से, मतलब जो कार के जो फ्रंट साइड से, यहाँ से डिक्की नहीं, ये बॉनेट जो बोलते हैं इसको, यहाँ से धुआं धुआं सा निकल गया, स्मोक के जैसा। जब जस्ट मैं पार्क ही करने वाला था तभी, तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे लगा अरे क्या हो गया, इंजन विंजन नो सीज कर दिया वगैरह वगैरह, मतलब डर, मतलब एक पैनिक जैसा सिचुएशन हो गया था। फिर भी खुद को कंट्रोल करा, क्योंकि ऐसा कभी मैंने अपने रियल लाइफ में फेस नहीं किया जब से मैं कार स्टार्ट किया, मतलब कार चलाना स्टार्ट किया। और ये सब चीज़ें मैं टीवी में देखता था, मूवी वगैरह में, जब कार से धुआं धुआं होके निकलता था तो गाड़ी ख़राब हो जाता था, फिर पानी वानी वगैरह ये सब फील करते थे वगैरह वगैरह, ये सब टीवी में देखा था। लेकिन रियल लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे सिचुएशन मुझे आगे को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के साथ जुड़े रहते हैं तो उसका मेरिट डिमेरिट सब आपको फेस करना पड़ता है। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिला मुझे, तो आज मैं वही एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। फिर जैसे ही मेरा ये इंसिडेंट हुआ, तो मैंने क्या किया, तुरंत अपना जो बोनेट का जो कवर है, डोर है, जो इसको मैंने ऑन कर दिया। फिर अंदर से जो धुआँ था, फिर धुआँ धुआँ होकर फिर सडनली थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट बाद, फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया और धुआँ निकलना बंद हो गया। फिर मैंने तुरंत ही मेरा हम लोग का जो पर्सनल जो टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, जो रिपुंदा, आज मैं रिपुंदा से भी मिलाऊँगा, तो रिपुंदा को मैंने कॉल किया। तो रिपुंदा ने मुझे फ़ोन पे ओवर फोन बहुत ही अच्छा गाइड किया, और साथ ही साथ मैंने रिपुंदा के बाद मैंने दो दोस्तों को मैंने कॉल किया, उन्होंने भी सेम उसी तरह से गाइड किया मुझे, किस तरह से मुझे उस सिचुएशन से निकल के फिर घर आना था। क्योंकि जो जगह था ऑलमोस्ट असम और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया था, तो वहाँ से मेरा घर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर था। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट रिमोट एरिया था, वहाँ पे ना कोई टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, कुछ भी नहीं था, रिमोट एरिया था। तो मुझे सिचुएशन से कैसे निकलना था, वही मेरा दिमाग में चल रहा था। फिर मैंने रिपुंदा को कॉल किया, तो रिपुंदा ने मुझे गाइड किया कि कैसे कैसे करना है। तो रिपुंदा ने मुझे बोला उसमें आप मिनरल वाटर का 2 लीटर की एक बोतल ले लो, फिर मिनरल वाटर 2 लीटर से आप जो जहाँ पे मतलब आपका फॉल्ट निकला है उसको रेडिएटर जो बोलते हैं, कूलेंट, जो एक्चुअली रेडिएटर में हम लोग को कूलेंट डालना पड़ता है। तो एक्चुअली मैंने नज़र ही नहीं दिया कि कूलेंट मेरा मिनिमम से भी कम हो गया था, जो एक्चुअली इंजन को ठंडा रखता है। कूलेंट कम होने से गाइस गाड़ी जल्दी से गर्म हो जाएगा और इंजन के ऊपर आपका इफेक्ट आएगा, इंजन सीज होने का भी चांसेस होता है। तो मैं तो बाल बाल बच गया। फिर मैंने क्या किया, रिपुंदा के बोलने के कारण मैंने क्या किया, पानी मिनरल वाटर डाल के फिर वहाँ से फिर घर तक लेके आया। आते ही मैं क्या किया, रिपुंदा के पास उसका जो जो शॉप है, जो मैकेनिक शॉप, मैं वहाँ पे लेके आ गया। तो आज मैं दिखाऊंगा कहाँ से धुआं निकला था और किसके वजह से धुआं निकला था, आज वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है हमारे रिपुंदा। रिपुंदा नमस्कार। तो मैंने गाड़ी लेके आके सीधा रिपुंदा के पास लेके आ गया। तो रिपुंदा अभी मेरा कार को अभी ठीक कर रहे हैं। तो रिपुंदा के मुंह से हम लोग सुनेंगे कि मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था। रिपुंदा काइंडली आप बोल दीजिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम आपका गाड़ी हीट हो रहा था। हीट हुआ था गाड़ी। कूलेंट प्रॉब्लम हुआ था। ओके ओके। कूलेंट कहाँ पे होता है हम लोग का?
प्लेन तो आपका होता है इसमें। ओके सफेद वाला जो प्लास्टिक का डब्बा है ना, हाँ हाँ उसमें होता है प्लेन। ओके ओके प्लेन का साथ पानी भी मिक्स होता है ना। ओके और वो आपका अभी प्लग खराब हो गया। हाँ प्लग खराब वजह से गाड़ी टर्न कम हो जाता है। ओके मतलब एक्सेलेरेटर नहीं ले पाता है, एक्सेलेरेटर स्पीड नहीं ले पाता है, मतलब कम लेता। ओके ओके तो गाड़ी का पिकअप कम होगा तो गाड़ी गर्म भी होगा। गर्म भी हो, ओहो ऐसा प्लग भी मैटर करता है ना। ओके 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 तो आपने क्या किया, पूरा कूलेंट सब निकाल दिया ना? कूलेंट तो हम अभी सब निकाल दिया। ओके मेरा क्या मिनिमम से भी कम हो गया था ना? मिनिमम से कितना हो गया था मेरा? तो इतना तक चला गया। इतना तक ओके गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कूलेंट का जो है मैक्सिमम मिनिमम का एक ये रहता है। आप लोग देखिए ये जो ये रिकॉन आप दिखा सकते हैं मैक्सिमम कहाँ पे लिखा है? हो गया मैक्सिमम, ओह ये हो गया मिनिमम। ओके ओके मिनिमम तो होने से प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादा, उससे कम होने से गाड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। ओह मिनिमम से कम होने से गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगा फटाक से ना। ओके ओके तो गाइज जो भी यू नो कार ड्राइव करते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, कूलेंट हमेशा चेक करिएगा। कूलेंट कम से कम आपका मिनिमम लेवल से ऊपर मैक्सिमम तक रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपके गाड़ी के ऊपर स्पेशली इंजन के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, गाड़ी जल्दी से ख़राब हो जाता है और इंजन ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज तो मुझे रिपुंदा अपने गाड़ी को ठीक करके देंगे और रिपुंदा का जो मुझे जो उन्होंने जो सजेशन किया था, एडवाइस दिया था, मिनरल वाटर डाल के मैं क्या किया कूलेंट में, कूलेंट का जो रिजर्वर है उसमें डाल के मैं अपना काम चला के फिर वहाँ से घर तक आ गया। तो अभी तो मैं सेफ हूँ। तो गाइस कभी भी आप लोग अगर कूलेंट कम हो जाए, फॉर एग्जांपल कभी भी कम हो सके, जैसे कि हम लोग कभी ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा ही आप कूलेंट देख सकते हैं कि वो मैक्सिमम लेवल पर है कि नहीं, बट कभी कभार क्या होता है हम लोग का नज़र से थोड़ा कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं कि कूलेंट सही पे है कि नहीं। तो कभी कभार अगर आप लोगों को इस तरह का मेरे जैसा सिचुएशन अगर आप लोगों को फेस करने को मिले कूलेंट कम हो जाए, उसके वजह से गाड़ी गर्म हो जाए, गाड़ी से धुआं धुआं निकल आए, तो आप क्या करिएगा मिनरल वाटर लेके आप कूलेंट का जो रिजर्वर है, जैसे कि वो काला जो ढक्कन है रिपुन वो दिखा सकते हैं काला ढक्कन, हाँ वो आप लोग क्या करिएगा गाड़ी जब गर्म हो जाए, तुरंत नहीं, गाड़ी गर्म हो जाए आप, हाँ बोनेट ये जो आपका बोनेट का जो ये आपका ये है कवर है जो, उसको खोल के रख दीजिए कम से कम आधा घंटा एक घंटे बाद, जब गाड़ी ठंडा हो जाए तब आप कूलेंट का जो रिजर्वर है उसका ढक्कन जो काला वाला ढक्कन वो खोल के फिर आप मिनरल वाटर ऐड करके डाल के फिर आप मैक्सिमम लेवल तक लेके आ जाइए, फिर आप वहाँ से सिचुएशन से निकल के आप घर में आ सकते हो, फिर आप अपने पर्सनल जो मैकेनिक है टेक्नीशियन है उनके पास आप अपना गाड़ी लेके आके आप फिर फिल्टर जो रिजर्वर है कूलेंट का जो मिक्स हो गया था पानी के साथ उसको आप क्लीन करके फिर आप फ्रेश आप अच्छा वाला कूलेंट डाल के अपने गाड़ी को फ्रेशन अप कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस, आशा करता हूँ मैंने जो इंसिडेंट फेस किया और जो सॉल्यूशन मैंने निकाला, अगर उसके वजह से मेरे जो व्यूअर्स है हमारे जो चैनल के जो व्यूअर्स है जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं किसी को भी इस तरह का सिचुएशन फेस करने को मिला और मैंने जो सॉल्यूशन बोला उससे अगर किसी को फ़ायदा होता है देन आई वुड बी मोर देन हैप्पी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को फेसबुक एंड यूट्यूब में फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस काइंडली कर दीजिएगा।